सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, पिज्जा हम सभी को पसंद है, लेकिन आप में से कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें विदाउट ईस्ट पिज्जा बनाकर बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक पिज्जा डो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं ईस्ट का यूज नहीं कर रही हूँ और इसे हमें फर्मेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब मन चाहे तब आप तुरंत इसका डो रेडी कीजिए और अपने मनपसंद की पिज्जा बनाइए, पिज्जा पॉकेट्स बनाइए या फिर आप कुछ भी पिज्जा की वैरायटी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि विदाउट ईस्ट पिज्जा डो हम कैसे बनाएं। बिल्कुल परफेक्ट बनता है इससे पिज्जा हमारा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट पिज्जा डो बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को जरूर ध्यान में रखकर पिज्जा डो बनाएं। तो चलिए, पिज्जा डो बनाने के लिए एक थाली में सबसे पहले मैं आधा कप मैदा ले रही हूँ, जिसे हम ऑल पर्पज फ्लावर बोलते हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ, इसमें थाइम है, बेजिल है, ओरिगैनो है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। आपका दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही से हमारा पिज्जा डो अच्छा नहीं बनता है। अब दही की हेल्प से आप इसका एक डो बना लीजिए, इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है। अब इस स्टेज पे आके जब आपका थोड़ा सा आटा गूंथ जाए, तब हम इसमें एक चम्मच तेल डाल लेंगे। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, बट प्लीज आप मस्टर्ड ऑयल ना डालें। अब ऑयल की हेल्प से आप एक बारी दोबारा से डो को नीट कर दीजिए और आप देखेंगे कि डो एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है और वो स्मूथ हो गया है और ये हमारा पिज्जा डो बिल्कुल बनके रेडी है। ना इसे फर्मेंट करने की जरूरत है, ना इसे रेस्ट कराने की जरूरत है, बिल्कुल रेडी है। आप इससे अब अपना पिज्जा बेस बनाइए या फिर पिज्जा बनाइए या फिर आप इससे पिज्जा पॉकेट्स बनाइए, इट्स टोटली योर चॉइस। है ना बिल्कुल आसान तरीका पिज्जा डो बनाने का। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पिज्जा डो बनाकर बताया है, अब इसी पिज्जा डो से मैं आपको पिज्जा बनाकर बताऊंगी, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी पिज्जा की विद दिस पिज्जा डो। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।